या छोटी मोटी सभाएं जो हमारे कार्यालय में होती रही हैं वहाँ पर वो आते रहे। तो मित्रता का कारण उनसे कुछ और नहीं था, वो यही था कि वो यहाँ ऑफिस में आते थे तो उनसे मित्रता थी। बाकी तो बहुत सारी बातें माने चौधरी साहब ने बताई हैं आपको, लेकिन कुछ एक ऐसी भी चीज़ें हैं जो मेरे साथ में खुद भी उन्होंने कहीं ना कहीं मुझको भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और ये उनका कोई पहला, राजकुमार जी हमारा उनका कोई व्यक्तिगत मतलब द्वेष नहीं है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखें और हम जो हमारा समाज का दायरा है उसमें कैसे लोगों की ज़रूरत है और हम कैसे लोगों को चाहते ना चाहते हुए भी मतलब मदद करते रहे। जैसा माने चौधरी साहब ने बताया कि पिछले 3 सालों में लगभग 2.5 लाख रुपये की मदद जो है वो महासंघ के या LIC के खाते से उनकी की गई है। 2.5 लाख रुपए उनको देने के बावजूद भी अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, महासंघ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले अगर मैं महासंघ से हटकर के भी थोड़ी सी बात करूं तो हमारे एक मित्र हैं शशिपाल जी जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, उनके एक प्रोग्राम कवरेज के लिए मैंने इनको बुलाया था और वहाँ इनको मैंने 15,000 रुपये का चेक दिलवाया था और आवाज़ इंडिया के बैनर तले वहाँ गए थे। वो 15,000 रुपये लेकर के आए, ना आज तक उनकी खबर चली ना उनको उनका वीडियो मिला। एक वाक्य और था, एक रामरतन प्रजापति जी हैं जो रिपब्लिकन सेना बाबा साहब के पुत्र हैं राजरतन अम्बेडकर जी, उनके द्वारा बनाई गई थी, उनके यहाँ प्रोग्राम कवर करने के लिए राजरतन जी आए थे तो वहाँ पर भी इनको इनवाइट किया गया था, वहाँ पर भी इनको 20,000 रुपये दिलवाए थे जिनका आज तक ना तो खबर चली चैनल को ना ही क्या नाम है उनको वीडियो दिया गया। और ऐसे कई उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे, हाँ और भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरा खुद का एक शो था दौसा में, बांदीकुई एक जगह पड़ती है, वहाँ से इनको 10,000 रुपये का एक चेक वहाँ से दिलवाया गया था, ना तो उनकी खबर लगी है ना उनको क्या नाम है वीडियो दिया गया। तो राजकुमार जी ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस तरीके का कोई काम किया है, वो पहले भी ऐसे कई काम करते रहे। बस समाज में बड़े भाई KP चौधरी जी का ये रहा है कि चलो अब सुधरेगा आदमी, अब सुधरेगा, लेकिन इस बार की जो हरकत उनकी रही है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है और मैं व्यक्तिगत रूप से और महासंघ का प्रचार सचिव होने के नाते इस बात की पूरी घोर निंदा करते हैं हम लोग कि हम जो है आगे से ऐसे लोग का, और आप सब मीडिया बंधु से भी अपील है कि ऐसे जो आपके साथी हैं उनका बहिष्कार करें जो आपको खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पैसे लेकर के खबर चलाते हैं। ये भी यहाँ स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जो पैसा उनको दिया गया है, वो पैसा जो उनको दिया गया वो पैसा इसलिए नहीं दिया गया कि मतलब महासंघ उनको कोई रिश्वत दे रहा है कि आप हमारी खबर चलाओ। ये पैसा 2.5 लाख रुपए उनको इसलिए दिया गया क्योंकि समाज में आप जब चैनल चला रहे हो तो आपको कैमरे की ज़रूरत है, आपको बहुत सारी और सुविधाओं की ज़रूरत है, आपको ऑफिस का खर्चा है, आपके स्टाफ का खर्चा है। तो चूंकि आप कैसे कैसे करके मनुवादी मीडिया से लड़ते हुए अपने घर परिवार को छोड़ करके ये इस काम को कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो ये हमारी मतलब नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम हमारा जो संगठन है, जिस संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, वो कम से कम आपके आने जाने का और आपके घर के बीवी बच्चों का जो भी थोड़ा बहुत हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो कराए। तो हमने कोई महासंघ ने ना तो उनको रिश्वत दी है, लेकिन हाँ ये जरूर बताने का पिछले 3 साल में बड़े भाई KP चौधरी और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा ये काम किया जा रहा है यहाँ पर, तो 2.5 लाख रुपये लगभग उनको जो है वो पिछले 3 वर्षों में दिया गया है, लेकिन वो 2.5 लाख रुपये लेने के बावजूद भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जो कि निंदनीय और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। और ये हाँ एक चीज़ और मुझे यहाँ पर याद आती है कि आवाज़ इंडिया TV चैनल के मैंने भी नागपुर में शो किए हैं, मिलन कामले जी जो है, अमन कामले जी जो है उनके, उन्होंने मुझको नागपुर 2 बार इनवाइट किया था प्रोग्राम देने के लिए, तो मैं खुद दीक्षा भूमि प्रोग्राम उनके देने के लिए गया हूँ, लाइव मैंने उनके शो किए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर उनको एक बार मीडिया से, आवाज़ इंडिया से निकाल दिया गया तो उसके बावजूद ही उत्तर भारत में अपने आप को आवाज़ इंडिया का प्रतिनिधि बना बता करके और उनकी ID लेकर के समाज को गुमराह करते रहे और लूटते रहे, उनको पैसा लोगों से उगाही एक तरीके से करते रहे मीडिया का डर दिखा करके। तो इनको तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत समय पहले ये काम हम लोगों को कर देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग देर आए दुरुस्त आए। तो हम लोग जो है वो जो भी उन्होंने कहा है, जो उन्होंने गलत खबर चलाई है, मैंने आज सुबह जो हमारे क्षेत्रीय विधायक भी रहे हैं बड़े भाई जैसे, बड़ा स्नेह उनका हमारे साथ रहता चौधरी सुरेंद्र कुमार जी का, जब मुझे रात को ये खबर मनोज अंतानी जी के चैनल उनके माध्यम से मुझे मिली तो मैंने सुबह हालांकि मैं बुलंदशहर था, लेकिन मैंने बुलंदशहर से स्वयं उनको फ़ोन किया चौधरी सुरेंद्र कुमार जी को, सारी जानकारी उनसे ली और मैंने कहा कि नहीं आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बड़े भाई KP चौधरी ने निर्णय लिया है कि शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इसमें अपनी राय रखेंगे ताकि समाज में जो ऐसे गंदे लोग हैं उनका बहिष्कार हो और जो हमारे युवा साथी आ रहे हैं जिनको इसमें टारगेट किया गया पवन को, उनको हौसला अफजाई और उन्हें लगे कि महासंघ उनके साथ खड़ा है।